हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक था अपने पास, मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात की थी, पूरे 2 आवर्स बात हुई थी। और आज मल्टीप्लेक्सर है कुछ अपन क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जितने भी कंक्लूजन थे वो सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। दो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स यूज कर रहे थे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, ठीक है। तो आप लोगों ने सीखा होगा, और कैसे हम लोग एक इन्वर्टर और एक एक्स्ट्रा 4x1, 2x1, 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी कंक्लूजन पे बेस्ड अपने पास गेट में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन आप लोग अभी लिखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को, कोई भी दिक्कत? चलो, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ हम लोग लिखेंगे, सपोज ओनली वन, ये 2007 में पूछा था क्वेश्चन इसी कंक्लूजन पे। सपोज ओनली वन मल्टीप्लेक्सर एंड one inverter are allowed to be used to implement any boolean function of n variables, full stop, what is the minimum size of multiplexer required? ठीक है, इसके options भी given थे, मैं option आपको नहीं लिखवा रहा हूं। हम लोग इसका जो कंक्लूजन कल पढ़े थे उसी से अपन यहाँ पे अपना एक जनरलाइज्ड फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। इसके ऑप्शन नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अपने पास सपोज ओनली वन, एक ही मुझे मल्टीप्लेक्सर यूज करना है ना। क्वेश्चन में मेरे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकता हूँ एंड अ इन्वर्टर। ये देखो, इन्वर्टर भी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो रेस्ट्रिक्शन मेरे पास ये है कि मैं सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लेक्सर एंड अ सिंगल इन्वर्टर, ये सिर्फ मैं ये दो चीजें यूज कर सकता हूं। और मेरे पास जो बुलियन फंक्शन फॉर्म करने हैं वो है अपने पास n वेरिएबल्स का। कितना वेरिएबल है सर? n वेरिएबल्स, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड, ये तो किस साइज का अपने को मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, पहले तो आप लोग पूरे कंक्लूजन को एक बार देखो, ठीक, और मैं यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। वन बाय वन आप लोग मेरे कंक्लूजन को देखना यहाँ पे अपने कॉपी में, जो मैंने आपको लिखा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ध्यान से सभी सुनेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 सेकंड, पता है आपको, सिर्फ 1 सेकंड का।
पहला कंक्लूजन हम लोग लिखे थे मल्टीप्लेक्सर में कि जब सिर्फ एक वेरिएबल की बात होती है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग को याद हो जाएगा ये, अगर एक वेरिएबल की बात होती है तो मैं यहाँ पे ऑल फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, किससे सर, 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, याद आया फर्स्ट कंक्लूजन, सभी के कॉपी में सामने होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा था कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स के फंक्शंस आते हैं तो मैं जितने भी फंक्शन है ऑल फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, देखो क्या लिख रहा हूं, तो मैं इसको फॉर्म कर सकता हूं कैसे, 2x1 मल्टीप्लेक्सर और अपने पास एंड अ इन्वर्टर, ये याद आया चीज, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा था सर थ्री वेरिएबल्स की बात होती है तो थ्री वेरिएबल्स के सारे फंक्शंस ऑल ऑफ, सॉरी दो बार ऑफ हो गया, तो ऑल फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर से और अपने को यहाँ पे एक रिक्वायर्ड होगा एक इन्वर्टर, ठीक है। ऐसा हम लोग चलते जा रहे थे और फिर फोर वेरिएबल्स की भी बात किए थे, तो फोर वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे जितने भी फंक्शंस है ऑल फंक्शंस ऑफ फोर वेरिएबल्स, ठीक है, इसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, इससे फोर वेरिएबल्स का 8x1 मल्टीप्लेक्सर और एक मेरे पास इन्वर्टर यहाँ पे रिक्वायर होगा। सर आप ये हर एक केस में इन्वर्टर की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वर्टर यहाँ पे, है ना। और मैंने एक और तरीका आपको सिखाया था, वो ये था कि जैसे अपने पास दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो दो वेरिएबल हैं तो दोनों को अगर मैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्शन लाइन में यूज कर लिया, मतलब कि अगर जितने भी वेरिएबल्स हैं उतने अपने पास सिलेक्शन लाइंस हैं तो अपने को किसी भी इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद आया, ठीक। अब यहां पे मेरे पास है टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स में मैं यहाँ पे 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहा हूं, तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में एक सिलेक्शन लाइन होगा तो मुझे वहां पे इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे इसी में क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो आप एक पैटर्न देखो यहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूं इसको, सर दो वेरिएबल है, ठीक है, उसके बाद दो वेरिएबल है और 2x1 मल्टीप्लेक्सर इन्वर्टर, फिर मेरे पास थ्री वेरिएबल्स है 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड इन्वर्टर, फोर वेरिएबल्स है तो ये हो गया 8x1 मल्टीप्लेक्सर एंड इन्वर्टर। इसका मतलब कि अगर मैं आपको बोलू यहाँ पे इसका जनरलाइज्ड फॉर्म बताने के लिए, मिनिमम साइज ऑफ मक्स, ये तो आप क्या बोलोगे, देखना क्या लिखने वाला हूं, सर दो वेरिएबल हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 2x2-1x1 मल्टीप्लेक्सर, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, थ्री वेरिएबल्स हैं तो सर फोर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2x3-1x1 मल्टीप्लेक्सर, और फोर वेरिएबल्स हैं अपने पास तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, 2x4-1x1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये 2, ये 3 और ये 4, ये एक्चुअल में शो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, 2 वेरिएबल्स हैं तो पावर में 2, 3 वेरिएबल्स हैं पावर में 3, 4 वेरिएबल्स हैं पावर में 4, समझ में आ गई बात। इसका मतलब कि जब भी अपन इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो अपने को मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर देखना है अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एन वेरिएबल्स एंड 2n-1x1 मल्टीप्लेक्सर वी रिक्वायर टू इंप्लीमेंट एन वेरिएबल बुलियन फंक्शन। क्या आपको ये कंक्लूजन समझ में आया, क्या बोलते हैं आप लोग,
ठीक है, तो बड़ा आसान था ये, यही ऑप्शन में लिखा हुआ था, 2n^n-1, 2n×1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसी तरीके से ऑप्शन थे, आपको बस ऑप्शन मैच करने आना चाहिए और ये कंफ्यूजन तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन रियलाइज्ड बाय द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर, और इसका फिगर भी मैं लिखवा देता हूं। I0, I1, I2, I3। और ये है फंक्शन ऑफ a, b, c, d। इसके ऑप्शंस भी गिवन है आपको, समेशन ऑफ m, 0, 1, 3, 5, 9, 10, 14। ठीक, ऑप्शन बी गिवन है समेशन ऑफ 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13। ऑप्शन सी है समेशन ऑफ 1, 2, 4, 5, 11, 14 और 15। ठीक, और ऑप्शन डी भी गिवन यहां पे, और ये है समेशन ऑफ 2, 3, 5, 7, 8, 9 और ये 12। ठीक, तो जो क्वेश्चन में आप लोग को मैं ऑप्शन लिखवाता हूँ ना, आप लोग भी ऑप्शन नोट किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ऑप्शन नोट करने की जरूरत क्या है, तो अपने को ऑप्शन से ही पता चलेगा ना कि अपने को जो यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो किस फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, अब इस जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको कि ये एक तो मल्टीप्लेक्सर है, कौन सा मल्टीप्लेक्सर हो गया ये सर, 4×1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा 4×1 मल्टीप्लेक्सर, दो सिलेक्शन लाइन ए और बी यूज हो रहे हैं और चारों इनपुट में सी और डी के फॉर्म में इनपुट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सी है, यहाँ पे डी, उसके बाद ये सर सी बार, ध्यान देना आपको ये सी बार। ठीक है, उसके बाद ये सर ये जो बबल आपको दिख रहा है ये बबल, तो ये जो सी अप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा सी बार,
और डी अप्लाई हो रहा है बबल के साथ, तो ये हो जाएगा डी बार। और दोनों में कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन। ठीक, तो ये कौन सा गेट अपने पास लगा हुआ है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है अपने पास बबल्ड एंड गेट। और अगर बबल्ड एंड गेट की बात करते हैं, बबल एंड गेट की बात करते हैं, तो वो इक्विवेलेंट होता है नॉर गेट के जैसा। याद आया? ये मैंने आपको सब बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं सी बार डॉट डी बार, मतलब चारों इनपुट्स की वैल्यूज आ चुकी है। अब आपको बस एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना है। तो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो चार वेरिएबल्स हैं, तो चार वेरिएबल्स के अपने पास कितने कॉम्बिनेशंस तैयार होंगे? सर 16 कॉम्बिनेशंस। और ऑप्शन को आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मीन टर्म्स के फॉर्म में गिवन है, है ना, सब मीन टर्म्स के फॉर्म में गिवन है। ठीक, तो चार ऑप्शन यहाँ पे मैच कराते, कौन सा ऑप्शन आने वाला है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेशन क्या होगा, ये देखो 4x1 मल्टीप्लेक्सर का। तो आपको दिखा सर ए बार, ठीक, फिर आपने लिखा बी बार, आई नॉट की वैल्यू क्या है सर सी, समझ में आ गई बात। आई वन के लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो आई वन के लिए क्या होगा सर ए बार बी, आई वन अपने पास है टी प्लस यहां पे ए बार नहीं, अब यहां पे आएगा ए बी बार। सर आई टू कितना है अपने पास सी बार, उसके बाद ए बी, आई थ्री के लिख रहे हैं ए बी सी बार डी बार, ये तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ चुका है। ओके, अभी यहां पे हम लोग जो ऑप्शन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को देख के हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मिन टर्म्स के फॉर्म में है। और आपको दिख रहा है सर ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है अपने पास जो लिखा हुआ है, सर एक नॉर्मल एसओपी लिखा है। ठीक, और जब हम लोग मिन टर्म्स के फॉर्म में आंसर देते हैं, तो अपने को इसे कन्वर्ट करना होता है किसमें, सर स्टैंडर्ड एसओपी या कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है नॉर्मल में कि फर्स्ट टर्म को आप देखोगे तो यहाँ पे डी नहीं है, सेकेंड टर्म को आप देखोगे यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सर डी नहीं, तो नहीं है तो उसको लेके आते हैं। ठीक है ना, देखो कैसे लेके आ रहे हैं, सबसे पहले ए बार बी बार सी, और मैंने लाया यहाँ पे डी को इंट्रोड्यूस किया डी प्लस डी बार। ठीक है, प्लस यहाँ पे आते हैं तो ए बार बी डी सी प्लस सी बार, यहाँ पे ए बार बी बार सी बार और डी प्लस डी बार, और यहाँ पे ए बी सी बार डी बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार प्लस यहाँ पे ए बार बी सी डी और ए बार बी सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार, और लास्ट है मेरे पास ए बी सी बार डी बार। अब चेक कर लो आप लोग कौन कौन सा मेन टर्म अवेलेबल है अपने पास, देखो दो लोग का आंसर भी आ गया डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चेक कर लेते हैं कौन कौन सा मेन टर्म अवेलेबल है, तो मेन टर्म चेक करने के लिए इसका अपन कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, 0011, ठीक है, फिर 0010, फिर 0111, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 0101, नेक्स्ट 1001, फिर 1000, और लास्ट में ये होने वाला है 1100। तो ये आपको क्या देने वाला है, दिस वन सर ये हो गया M3, ये सर M2, M7, M5, M9, M8 और M12। चेक कर लो कौन कौन सा अवेलेबल है यहाँ पे। So, अगर इसको हम लोग मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी अपने पास आ जाएगा समेशन ऑफ 2, 3, 5, 7, 8, 9 और ये लास्ट 12, मतलब ऑप्शन डी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, तो आपके जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं एसओपी पीओएस के, मीन टर्म्स मैक्स टर्म के, वो सब चीज तो हमेशा यूज होते ही रहेंगे और यहाँ पे भी यूज हुए हैं, है ना, मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो जो शुरू का जो 3 चैप्टर था हम लोग जो स्टार्ट किए थे, 3 से 4 दिन जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा था अच्छे फॉर्म में, तो वो हमेशा यूज होते रहेगा, है ना, इसलिए मैंने बोला था कि वो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही, लेकिन आने वाले चैप्टर्स के लिए भी वो एप्लीकेबल होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, द आउटपुट जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय और ये Z, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी मैं लिखवा देता हूं, पी क्यू प्लस पी क्यू बार एस। ऑप्शन जहां पे मैं लिखवा रहा हूं वो बहुत जरूरी है, ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे, ये ऐसा टॉपिक है। ठीक, लिख लिए क्वेश्चन, कमेंट करो, नोट कर लिए क्वेश्चन आप लोग। सर ये क्वेश्चन आप करा चुके हो, डी इसका। अच्छा अच्छा ये मैंने फर्स्ट डे कराया था क्या, जब मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट किए थे उसी टाइम कराया था क्या मैंने क्वेश्चन को। ठीक 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 ओके, चलो कोई नहीं। तो इसको नोट कर लो आप लोग फिर से, और मैं इसका ऑप्शन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं फिर से जो लोग नहीं समझते एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको आउटपुट यहां पे जेड फाइंड करना था, 4x4 मल्टीप्लेक्सर है, और इतना ये सिचुएशन में आप i3 i2 i1 i0 ध्यान रखना कि सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप i0 को लिखते हो, फिर I1 को, पता चला कि आप फटाफट इसको लिखना स्टार्ट कर दिए, फिर आप पहले I3 फिर I2 फिर I1 फिर I0, नहीं नहीं ध्यान रखना कि I0 जो होगा वो दोनों यहाँ पे सिलेक्शन लाइन के बार के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। तो ये आप करेंगे, और आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो मिनिमाइज्ड फॉर्म में चाहिए। अब मिनिमाइजेशन के लिए आप लोग यहाँ पे बुलियन टेक्निक्स मतलब बुलियन लॉज यूज कर सकते हो, और उसके बाद के मैप भी यूज कर सकते हो, कि आपके ऊपर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार आप सॉल्व करके देख लेना क्लास के बाद क्या इसका आंसर आएगा। ओके, ऑप्शन डी वैभव आप सॉल्व किए थे, ऑप्शन डी आ रहा था इसका। किसी ने और सॉल्व किया था उस टाइम पे?
ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो तो बढ़िया हो गया कि इसको हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्लीमेंट द फंक्शन इंप्लीमेंट द फंक्शन एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी समेशन ऑफ एम 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग दो तीन फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, दो तीन फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। उसमें फर्स्ट फॉर्मेट ये है कि अपने को इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी सी डी एज अ सिलेक्शन लाइन आप इसको यूज करो, एज अ सिलेक्शन लाइन। ठीक, तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लेक्सर जब बीच में चल रहा था उसके टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे, तो हमेशा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कौन से वेरिएबल को सिलेक्शन लाइन में यूज कर रहे हो। तो मैंने एज्यूम करके आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन और उसने यही बोला था कि ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। ठीक है, जैसे मेंशन है यहाँ पे कि यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर, तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर में अपने पास 3 सिलेक्शन लाइन होंगे और उसी सिलेक्शन लाइन में अपने को इन चारों में बी सी और डी को एज अ सिलेक्शन लाइन यूज करना है। ठीक, मतलब आप रेस्ट्रिक्टेड हो कि आपको सिलेक्शन लाइन के इनपुट्स आपको बी सी डी आपको देने हैं, आप कुछ और नहीं दोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं ना गेट में, हर 2-3 साल में यहां से क्वेश्चन आता है। ये देखो, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि सर जो इनपुट जो अपने पास इनपुट है उसका सिक्वेंस क्या है, क्योंकि सिक्वेंस बहुत मैटर करता है हमेशा, है ना। तो आपको दिख रहा है सर जो सीक्वेंस है वो है ए बी सी डी, मतलब सर आप बोलोगे यहाँ पे कि ए जो होगा वो एम एस बी होगा और जो डी होगा वो एल एस बी के। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर हो गई आपके लिए, आप इनपुट के सीक्वेंस को चेंज नहीं करोगे आप, ए बी सी डी। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं इतना बार बार क्यों कह रहा हूँ आपको भी पता चलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और मैथड से देखने वाले हैं और उसका नाम है टैबुलर मैथड। उसका नाम है टैब्यूलर मेथड। ठीक है, ये देखो टैब्यूलर मेथड। तो पहले आप ये देखो सर आपके पास जो सिलेक्शन लाइन वो कौन कौन सा है। सर सिलेक्शन हम लोग यहाँ पे बी सी डी यूज कर रहे हैं, ठीक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और बी सी डी के लिए अपने पास कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार होंगे, सर बोलेंगे आप सर बी सी डी के लिए 8 कॉम्बिनेशन और उसी 8 कॉम्बिनेशन के लिए 8x1 मल्टीप्लेक्सर का 8 इनपुट्स एक्टिव होगा करस्पॉन्डिंग टू सिलेक्शन लाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करूंगा जो अपने को रिक्वायर। कौन सा मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने 8x1 मल्टीप्लेक्सर और इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स और आई सेवन और इसका जो आउटपुट है अपने को आउटपुट में क्या चाहिए, जो लिखा हुआ है ए बी सी डी वो पूरा लिख नहीं रहा हूं, बार बार फालतू टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो अपने को ये इंप्लीमेंट करना है। इसका मतलब है सर आई नॉट से लेके आई सेवन तक के जो इनपुट्स है उसको आपको देखना होगा क्या क्या आप इनपुट अप्लाई करोगे तब जाके ये इंप्लीमेंट होगा, है ना। तो मतलब कि आप ये बोल सकते हो क्या सर कि आपको I नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है जो इनपुट आप दे रहे हो, I वन की, I टू, I थ्री, I फोर, I फाइव, I सिक्स, I सेवन। ठीक है, तो ये 8 वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है जिसमें हम लोग टैबुलर मेथड यूज करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि इसमें अपने पास मल्टीपल
वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग टैबलर मेथड यूज करेंगे, आपको देखना बड़ा आसान है, ठीक है। और सिलेक्शन लाइन भी आप लोग डिसाइड कर दो, बी सी और ये डी। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा? तो यार आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये ए को रिमूव कर दूं, है ना, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर मैं यहाँ पे ए को रिमूव कर दूं तो आपको क्या दिखेगा, इनपुट बी सी डी। ध्यान से समझना, एक बार बताऊंगा हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। तो बी सी डी आपके पास बचेगा तो उसमें बी जो होगा वो बन जाएगा एमएसबी एंड डी विल बी एलएसबी फॉर सिलेक्शन लाइन। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा सिलेक्शन लाइन के लिए कि बी जो है वो इस केस में एमएसबी है और इस केस में एलएसबी है, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक। अब टैबुलर मेथड की यहाँ पे बात होती है तो अपने को सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बी सी डी कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक। ये हो गया बी बार सी बार डी बार, बी बार सी बार डी, बी बार सी डी बार, बी बार सी डी, बी सी बार डी बार, बी सी बार डी, बी सी डी बार और बी सी डी, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ए को, तो सिलेक्शन लाइन में आपके पास, मुझे एक बात बताओ, सिलेक्शन लाइन में बी सी डी यूज हो चुका है ना, तो बचा कौन है? सर ए बचा हुआ है, तो ए कहां पे आएगा? आप यहीं से बोल सकते हो सर कि ए जो है वो इस इनपुट लाइन में आएगा, मतलब इनपुट लाइंस में आई नॉट से लेके आई सेवन तक या तो जीरो होगा कोई एक, या तो वन होगा कोई भी, या तो ए के फॉर्म में होगा। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ए की वैल्यू ए बार लिया मैंने, मतलब ये जीरो, और ये हो गया ए मतलब वन। ये देखो एक टेबल आपको यहां पर पूरा तैयार करना पड़ेगा, प्यार से लिखो आप लोग, मेरे साथ नोट करते चलो, ठीक। जैसे हम लोग यहाँ पे के मैप को फिल कर रहे थे, याद होगा के मैप को हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे थे, सेल्स को फिल कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे टैबुलर मेथड में हर एक टैब को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो फिल करने का तरीका क्या होगा, इस सीक्वेंस को आप देखोगे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है सीक्वेंस का, ए बी सी डी। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा सर, 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 1, मैं ये सीक्वेंस को देखते ही फिल कर रहा हूं, है ना, 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, मतलब ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। वैसे यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1, 4 times 1, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये अपने पास 14 और ये 15, ठीक। यहां तक बात हो गई, सभी टैबलेट मेथड को देखेंगे आराम से। अब आपको दिख रहा है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 कॉम्बिनेशंस, टोटल 4 इनपुट्स हैं, 16 टैब्स अपने पास बन गए फॉर 16 कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 वेरिएबल्स, ओके। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि जो सिलेक्शन लाइन है, सिलेक्शन लाइन है, अब सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंगली जो इनपुट है 8 इनपुट्स, वो आउटपुट में फ्रेम होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है इसके कॉम्बिनेशन पे। अभी आप लोग ये बताओ सर यहाँ पे कौन फ्रेम होगा, सर यहाँ पे अपने पास फ्रेम होगा आई नॉट की वैल्यू, यहाँ पे कौन फ्रेम होगा आई वन, यहाँ पे सर आई टू, यहाँ पे आई थ्री और यहाँ पे आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स और आई सेवन, इस तरीके से फ्रेम होता है ना, ठीक। कुछ चीज नया नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, ध्यान से देखो। अब आप देखोगे सर कौन कौन से मेन टर्म्स अपने पास अवेलेबल है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर 2 3 5 8 9, तो उसको आप क्या करो यहाँ पे सर्कल फॉर्म करो, क्या है सर 2 3, ठीक है, 5 8 9 11 12 14 और ये 15, देखा सभी को आपको,
ठीक है, आपने पूरा फ्रेम कर दिया और आपने वो सर्कल कर दिया जो मेन टर्म्स को आपको इंप्लीमेंट करना है। अब आप देखो सर, ये दोनों में अगर मुझे लिखना है तो एट जो है इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, मतलब यहां पे आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। ठीक, वैसे ही आप देखोगे आई वन की वैल्यू ए, यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग कौन है सर, ए बार। आप देखोगे सर इसके करस्पॉन्डिंग कौन है सर, ए बार है और ए भी है, मतलब मैं यहां लिखूंगा, मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर, ए प्लस ए बार। सर ए प्लस ए बार तो कितना होता है, वन होता है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा सर ए, यहां पे ए बार, यहां पे ये दोनों में ए और यहां पे भी ए, इसका मतलब बस आप छाप दो यहां पे। ठीक है, तो कौन कौन आ रहे हैं, सबसे पहले ए, फिर ए, फिर ए बार, फिर वन लॉजिक, फिर ए, ए बार, ए और ए। ये हो गया इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन। चलो आप लोग नोट कर लो और बताओ समझ में आएगी नहीं, क्लियर है हर एक चीज आपको। सर इनके ऑप्शंस में क्या पूरा सीक्वेंस दिया था इनपुट का, एग्जैक्टली है ना, जैसे मैंने भी बोला था क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले कि आपको ऑप्शंस कैसे होंगे, आई नॉट से लेके आई सेवन तक की आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, यही तो रिक्वायर है ना। तो यही आपको पूरा सीक्वेंस जो होगा वो ऑप्शन में गिवन होगा, तो आपको ऑप्शन को चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, यही अपने पर टास्क होने वाला है। ओके, और अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जो भी इनपुट आएगा आई नॉट से लेके आई सेवन तक, या तो वो जीरो आएगा, या तो वन आएगा, या तो ए आएगा, या तो ए बार, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं मैं कि सर ये अगर नहीं होता, ठीक, तो मुझे बताओ आई नॉट की वैल्यू क्या होती, बताओ अगर यहाँ पे एट अवेलेबल नहीं होता तो आई नॉट की वैल्यू क्या होती, बताओ क्या बोलते हैं आप लोग, एग्जैक्टली क्या होता वहां पे सर, जीरो होता ना, क्या होता अपने पास आई नॉट की वैल्यू, जीरो, जीरो, ध्यान रखना जीरो, क्योंकि ना तो ए बार अवेलेबल हो रहा है ना तो ए हो रहा है। ठीक है सर, वन कब मिलता है, जब ए और ए बार दोनों अवेलेबल होते हैं, तो ए प्लस ए बार की वैल्यू तो वन होती है ना, तो यहां पे दोनों अवेलेबल नहीं है, मतलब यहां पे मुझे जीरो अप्लाई करना है, समझ में आ गई बात। ठीक, मतलब ये लिखा कैसे रहेगा पता है, ये ऐसे लिखा रहेगा बी बार सी बार डी बार आई नॉट, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट को, तो यहां पे जो आई नॉट लिखा हुआ है ये अगर प्रेजेंट नहीं है, ये टर्म अगर प्रेजेंट नहीं है या इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है आई नॉट की वैल्यू कंफर्म जीरो है, तब भी ये टर्म यहां पे प्रेजेंट नहीं है। ये देखो ऐसा लिखते हैं ना, याद आया कल ही लिखे थे। ठीक है, तो मुझे लगा वो बताना चाहिए, कुछ लोग डोंट केयर बोल रहे थे, है ना, मुझे पता था कि डाउट होगा इसमें भी, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा आपको बता दिया। ठीक,
ऐसे तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप सभी चीज एक ही क्वेश्चन में जानोगे तो चीजें मजा आती पढ़ने में। ठीक, अब आप लोग सॉल्व करना है इसको। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैंने यहां पे चेंज किया I2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और मैंने बोला A B कॉमा C एज अ सिलेक्शन लाइन आप यूज करो, A कॉमा B कॉमा C इसको आप सिलेक्शन लाइन यूज करो और बताओ क्या इसका आंसर आएगा। सभी नोट कर लिए ना, बताओ यस और नो, नोट कर लिए सभी? ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मैंने क्या लिया हुआ है सर, ABC को सिलेक्शन लाइन, अब देखते हैं क्या होता है ना। ये नया मैं क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, तो इसको मैं यहां से रिमूव करूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे सर A B और C जो है वो सिलेक्शन लाइन, मतलब ये MSB है और ये LSB है। ठीक, तो सर आप ये बोलना चाहेंगे क्या कि जो इनपुट आएगा मतलब I0 से लेके I7 तक वो किस फॉर्म में आएगा, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा या तो टी होगा या तो टी कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि डी अपने पास एक इनपुट बचा हुआ है ना। ठीक, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं डी बार और ये डी। ठीक, ये पूरा यहां से रिमूव कर दो। सेल्स के जो हम लोगों ने फिलिंग किया था वो कुछ और वे से था, जहां पे BCD सिलेक्शन लाइन था, अब यहाँ पे शायद चीजें चेंज हो सकती है, दैट्स व्हाई आप इसको रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन आपको तो फिर से टेबुलर मेथड टेबल बनाना पड़ेगा ना, ऐसा आप नहीं कर सकते जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पे लाऊंगा मैं ABC को, ABC 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 यहां पे। ABC ABC बार और ये ABC, ठीक सब लिख दिया मैंने। अब यहां पे हर एक टैब्स को यहां पे फिल करते हैं। कैसे फिल करेंगे अपन, सीक्वेंस को ध्यान देना आप लोग क्या लिखने वाला हूं। सर पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, ऐसा है ना मेरे पास सीक्वेंस। तो आप क्या देखोगे सबसे पहले, ये सर ये 0 0 0 0, फिर उसके बाद सर 0 0 1 0, ये देखो क्या हो गया, पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, फिर यहाँ पे 0 1 0 0, फिर 0 1 1 0, समझ में आ रहा है। पहले मैं ये 3 को लिखूंगा क्योंकि मेरे को लिखना है ABC, देन मैं डी की वैल्यू में आप पुट करूंगा। ठीक है, फिर यहां पे सर यहां पे क्या होना चाहिए, 1 0 0 0, 1 0 1 0, फिर 1 1 0 0, 1 1 1 0। ठीक, यहां पे
जीरो 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 वन, फिर जीरो जीरो वन वन, फिर जीरो वन जीरो वन, फिर जीरो वन वन जीरो जीरो वन डबल जीरो वन। वन जीरो वन जीरो और यहां पे वन वन जीरो जीरो, सॉरी लास्ट में यहां पे वन, यहां पे भी वन और ये वन 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 वन। इस तरीके से यहां पे फिलिंग होगी, ठीक है। अब मैं यहां पे नंबर्स को नोट करता हूं, तो नंबर्स कौन कौन से होंगे सर? अपने पास ये हो गया जीरो, ये टू, ये फोर, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये फोर्टीन फिफ्टीन। तो आप देख रहे होंगे कि सीक्वेंस जो है वो पूरा चेंज हो गया है। पहले था जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर एट नाइन टेन, ऐसा कुछ था, लेकिन अब यहाँ पे वर्टिकल फील हो रहा है ना, समझ में आ रही बात? ओके, जैसे हम लोग के मैप पे देख रहे थे ना, वैसे ही हो रहा है। अब कौन कौन से अवेलेबल है उसको आप देख लो सर। अवेलेबल यहाँ पे है टू अपने पास, थ्री भी है सर, यहाँ पे फाइव भी है, एट और नाइन, इलेवन ट्वेल्व और फोर्टीन फिफ्टीन। ठीक सर, यहाँ पे क्या आएगा? जीरो, यहाँ पे मैं वन लिख रहा हूं, यहाँ पे नहीं। उसके बाद यहाँ पे सर अपने पास ये हो गया डी, ठीक, यहाँ पे सर ये जीरो और यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ सकता है सर? ये वन, ये डी, फिर ये डी बार और यहाँ पे वन। बस बहुत आसान था ये, है ना। तो आपने क्या क्या देखा सर? जीरो वन, ये डी, जीरो वन डी और नेक्स्ट है डी बार और लास्ट में वन। बस तो पूरे मेथड आपके यहाँ जो लिखा हुआ है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर रहे हैं, किन किन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सीक्वेंस को बस आपको ध्यान रखना है ताकि आप यहाँ पे सेल्स को फिल कर सको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे ऐसा ही, फिर आपका एक बढ़िया हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके, देखो टू थ्री फाइव एट नाइन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन और फिफ्टीन, ठीक, सेम क्वेश्चन है। और थर्ड नंबर यहाँ पे हम लोग को यूज करना है यूजिंग फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर एंड बी कॉमा डी एज सेलेक्शन लाइन, बी कॉमा डी एज सेलेक्शन लाइन। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है और ये मेथड आप लोग समझ जाओगे पूरा कंप्लीटली क्या करना है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गेट में आएगा आराम से बन जाएगा आराम से।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि पहले लेआउट तैयार करूं, आपको लेआउट्स में क्या क्या फाइंड करना है। तो सिलेक्शन लाइन यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड हैं कि आप बी और डी को ही यूज करोगे, है ना। यहाँ पे होता है अपने पास I0, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, और फाइनल आउटपुट आपको जो चाहिए वो है फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ये बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक। 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो अगेन मैं यहां पे यूज करने वाला हूं टैबुलर मेथड, ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को। टैबुलर मेथड तो अपने को दिख रहा है कि सिलेक्शन लाइन जो है वो है बी और डी के फॉर्म में, है ना। ये लिखा हुआ है सिलेक्शन लाइन। तो सर आप ये बोल सकते हो क्या कि जो इनपुट हम लोग फाइंड करेंगे I0, I1, I2, I3 वो किसके फॉर्म में होगा? सर या तो वो जीरो होगा, या तो वन होगा, या तो ए एंड सी के फॉर्म में होगा, या तो उसके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होगा, है ना। यहां तक अपने को चीजें समझ में आ चुकी हैं, क्योंकि बी और डी को आप सिलेक्शन लाइन यूज कर रहे हो, ठीक। अगर मैं सिलेक्शन लाइन की बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस है अपने पास ए बी सी डी, तो ये क्या बनेगा मेरे पास सर? MSB बनेगा और ये LSB बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहां पे मैंने सिलेक्शन लाइन को लेके आया बी बार डी बार, मतलब जीरो जीरो, फिर सर बी बार डी जीरो वन, फिर बी डी बार वन जीरो और बी डी वन वन, ठीक। यहां पे चार कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पे, ये तो कंफर्म है, और इसी चार कॉम्बिनेशन के लिए चार इनपुट के सीक्वेंस आएंगे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास है सर ए बार सी बार, मतलब जीरो जीरो, फिर यहाँ पे ए बार जीरो वन सी, और ये ए सी बार वन जीरो, और नेक्स्ट होना चाहिए ए सी वन वन। अब यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो आई नॉट होगी, आई वन होगी, आई टू और यहां पे आई थ्री, ठीक। इसी टाइप से चलता रहेगा ये। चलो अब यहां पे बारी आती है सर सेल्स को फिल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर? आपका सीक्वेंस क्या है इनपुट का? ए बी सी डी, ये सीक्वेंस है। तो पहले आएगा जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, सर ये तो कोई बात नहीं, ठीक। उसके बाद ये जीरो 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 वन, फिर सर जीरो वन जीरो जीरो, ठीक, जीरो वन जीरो वन। ये देखो सेल्स कैसे फिल हो रहा है, रैंडम यहाँ पे सीक्वेंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो ये क्या दिखेगा आपको? जीरो, ये दिखेगा वन, फिर ये फोर और ये सर फाइव। देखो कैसे रैंडम सीक्वेंस यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, है ना। चलो यहां पे देखते हैं सर, जीरो जीरो, सॉरी यहां लिखता हूं मैं जीरो जीरो और वन जीरो, ठीक। यहां पे देखो सर जीरो जीरो वन वन, फिर जीरो वन वन जीरो, फिर जीरो वन वन वन, ओके। मतलब टू यहाँ पे, थ्री यहाँ पे, सिक्स यहाँ पे, सेवन। देखो बढ़िया लग रहा है ना। अब यहां पे आते हैं, ये देखो वन जीरो जीरो जीरो, मतलब सर ये हो गया एट। यहां पे आते हैं वन जीरो जीरो वन, वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो वन, एट ये नाइन, ये ट्वेल्व और ये सर ये अपने पास थर्टीन, ठीक। ऐसे ही होना चाहिए।
अब बारी आती है यहां पे सर 1010 मतलब ये हो गया 10 1011 मतलब ये 11 फिर 1110 ये हो गया 14 और लास्ट में क्या होना चाहिए सर चारों वन के लिए 15 है ना। बढ़िया हो गया सेल यहां पे सेल्स फील हो गए। अब आते हैं कौन कौन से अपने पास ये नंबर्स हैं ऐसे मीन टर्म्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होने हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 फिर ये 3 फिर नेक्स्ट मेरे पास 5 5 के बाद 8 9 11 12 और नेक्स्ट 14 चेक और भी है ये हो गया 15 ठीक सभी को दिख गया यहाँ पे। अब बारी आती है सर कि I नॉट I वन I टू I थ्री क्या होने वाला है। तो उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे रोज और कॉलम को देखो आप लोग तो आपको दिख रहा है सर ये तीनों में है ना ये चारों में आपको I नॉट की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग दिख रही है सर A बार C प्लस A C बार। इसका मतलब सर ये कौन सा एक्सप्रेशन है सर ये A और C का XOR ऑपरेशन है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा A और C का XOR ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिया A और C ये दोनों के XOR ऑपरेशन को मैंने यहाँ पे लेके आया और ये मिल गया आपको I नॉट ठीक कोई बात हुई यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे देखो क्या आने वाला है सर A बार C प्लस A C बार प्लस A C ठीक। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो है ना। इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं अगर यहां से मैंने A बार C सी ए कॉमन लिया तो ये बच गया A ठीक है। उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं सर A प्लस A बार और ये हो जाएगा A प्लस C। तो फाइनली अपने को कितना मिलेगा सर फाइनली अपने को यहाँ पे A प्लस C मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग A प्लस C सॉल्व करने के बाद तो आप क्या करो A और C को उठाओ और यहाँ पे उसका और ऑपरेशन परफॉर्म करो और लगा दो I1 में ठीक। उसके बाद बारी आती सर I2 के लिए तो I2 में आपको क्या मिल रहा है सर ए सी बार प्लस ए सी मतलब यहां पे आ गया ए बस सी प्लस सी बार वन हो गया। तो यहां पे आप लगा दो सर ये तो ए होगा बढ़िया हो गया ना। अब आई थ्री में देखते हैं सर आई थ्री में आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है ए बार सी बार प्लस ए सी ये और ये मतलब सर एक्चुअल में कौन सा एक्सप्रेशन हो गया सर ये तो एक्स नॉर ऑपरेशन है। तो अब क्या करोगे अब आप लगाओगे ए और सी का एक्स नॉर ऑपरेशन और आप उसको I3 में लगा दो ठीक। तो क्वेश्चन कैसे होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है या तो आपको चारों इनपुट्स पूछ सकते हैं कि सर I नॉट I1 I2 I3 की वैल्यूज क्या होंगी या हो सकता है कि आपको कोई एक इनपुट पूछे या दो इनपुट पूछे या तीन इनपुट पूछे या चारों के चारों इनपुट आपसे पूछ ले है ना। तो चारों को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है देखो आप इतना आसान मेथड है ये ठीक नोट कर लो। और नोट करने के बाद आप लोग कमेंट कर देना पूरा आराम से आप नोट कर लो फिर मुझे आप लोग कमेंट करना नोट करने के बाद। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अब आप रेडी हो कि आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, नोट किए पूरा, रिप्लाई हो गया नोट। सो मल्टीप्लेक्सर के हम जो लास्ट यहाँ पे टॉपिक पे आने वाले हैं, और क्वेश्चन देखो मैंने लिख दिया बोर्ड पे, ठीक है, ये वही टॉपिक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लेक्सर यूज करके डिफरेंट बुलियन फंक्शंस इंप्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है कि अपने को मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है, डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है, और उसके लिए मल्टीप्लेक्सर ही यूज करना है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे टॉप में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इंप्लीमेंट 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर, लिखा है ना ऐसा क्वेश्चन में, देखो। तो अपने को 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना है और चेक करना है कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर कितने रिक्वायर होंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर को इंप्लीमेंट करने में, ये अपने को एक्चुअल में देखना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 4x1 मल्टीप्लेक्सर और 2x1 मल्टीप्लेक्सर, इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे हो गए 4 इनपुट्स और 2 सिलेक्शन लाइंस, ठीक, यहां पे 2 इनपुट्स और 1 सिलेक्शन लाइन, ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना, ठीक। मुझे यहां पे इंप्लीमेंट करना है 4x1 मल्टीप्लेक्सर, देखो मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैंने लिया एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ये 2x1 मक्स, इसके कितने इनपुट होंगे सर, 2 इनपुट होंगे, एक लिया मैंने I0 I1, फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक और मल्टीप्लेक्सर 2x1 मक्स यूज किया ये, और इसका मैंने इनपुट लिया सर I2 और ये I4। सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आपको चाहिए 4x1 मल्टीप्लेक्सर, दैट मीन्स वी हैव 4 इनपुट लाइंस, 4 इनपुट लाइंस, देखा सभी को, ओके, ये एक्चुअली I3 है ये, ठीक है, ये I3। अब यहां पे अपने पास सिलेक्शन लाइन की भी तो बात करनी है, देखो सिलेक्शन लाइन में यहां पे लाने वाला हूं, ये सिलेक्शन लाइन हो गया, इसको मैंने एक किया हुआ है, ये हो गया S1, ठीक। उसके बाद इसका जो भी आउटपुट निकलेगा, जो भी इसका आउटपुट निकलेगा, इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं एक और 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ये आप देख सकते हो कैसे मैं यहां पे करने वाला हूं, ये तो एक और मैंने 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूज किया, क्योंकि दो आउटपुट थे ना, हम लोग को यहाँ पे 4x1 मक्स बनाना है, तो 4 इनपुट की तो बात हो चुकी है, अपने को एक आउटपुट भी तो चाहिए, तो आउटपुट देखो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूं, ये हो गया इसका फाइनल आउटपुट। और ये सर 4x1 मल्टीप्लेक्सर आप बना रहे हो तो आपको कितने सिलेक्शन लाइन चाहिए सर, 2, एक हो गया और एक लगा दो ये S0, बस खत्म। तो आप देखोगे सर कितने अपने पास 2x1 मल्टीप्लेक्सर लग रहे हैं यहां पे, सर टोटल 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट 4x1 मल्टीप्लेक्सर, समझ में आएगी पूरी बात, ठीक है। अब देखो ये आप नोट कर रहा, पहले आप देखो यहां पे इसका ट्रिक एक्चुअल में है क्या, आप क्या करो, आपको चाहिए सर 2x1 मल्टीप्लेक्सर से 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक, ये 4 को उठाओ, है ना, मतलब आपको चाहिए क्या, आप लिखो जो चाहिए डिवाइडेड बाय जो आपके पास अवेलेबल है ना, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4 कौन है जो आपको इंप्लीमेंट करना है, जो आपको चाहिए, और ये 2 कौन है जो आपके पास अवेलेबल है, जिसको आपको यूज करना है, आपने डिवाइड किया, ठीक। अब आप क्या करो कि जब आप डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना बचा सर 2, या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको सक्सेसिव डिवाइड करो, देखो मैं बता रहा हूं, ये
फोर को यहाँ पे आप टू से सक्सेसिव डिवाइड करो, तो ये हो गया टू टाइम्स, फिर टू से ये वन टाइम्स, समझ में आ रही बात है ना, ये हो गया। और जो इसका आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वेश्चंस है ना, कितना मिल रहा है सर, टू और एक है वन, कितना हो गया सर टोटल, थ्री। मतलब आपको क्या करना है, सम ऑफ क्वेश्चंस आपको लिखना है, मतलब टू प्लस वन, पता चला आप ये फोर को भी ऐड कर दिए, फोर यहाँ पे क्या है, फोर यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है ना, अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए यहाँ पे, अपने को क्वेश्चंस को सम करना है, मतलब उसका एडिशन करना है, वो बन जाएगा थ्री, मतलब टोटल थ्री यहाँ पे टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर होंगे, तो इम्प्लीमेंट फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर, आप फिगर में भी देख सकते हो। ठीक, अभी अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है, देखो सेकंड क्वेश्चन, अपने को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट सिक्सटीन क्रॉस वन मार्क्स यूजिंग टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर। ठीक, तो आपको इतना बड़ा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल सा फिगर था, टू क्रॉस वन, फोर क्रॉस वन, अब 16 क्रॉस वन बनाना है, तो आप क्या करो, शॉर्टकट यूज करो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या किया कि जो आपको चाहिए और उसको आप यहाँ पे टू से सक्सेसिव डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये तो आप टू से सक्सेसिव डिवाइड किए, तो ये मिल गया आपको एट, फिर टू से आप डिवाइड किए फोर, फिर टू से आप डिवाइड किए टू टाइम, टू से आप वन, है ना, ये तो आपको मिला सम ऑफ क्वेश्चंस, एट प्लस फोर प्लस टू प्लस वन, कितने मिल रहे हैं सर टोटल, 15। तो 15 आपको टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर है ना। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं देखो लिख देता हूं, फोर डिवाइड बाई टू करोगे डिवाइड तो मिलेगा टू, फिर डिवाइड करो टू से मिलेगा वन, जैसे ही आपको वन मिलेगा वहीं पे आके आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, और सम ऑफ क्वेश्चंस इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा थ्री, वैसे यहां पे भी आप कर सकते हो, 16 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, है ना, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता 1, तो यहाँ पे कितना हुआ सर, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, हाउ मच, 15। तो ये होता है तरीका, इसको आपको याद रखना है। एक और देखो यहाँ पे सुन लो आप लोग, पहले क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं मल्टीप्लेक्सर में या कॉम्बिनेशनल सर्किट में कि जैसे ये फिगर गिवन है ना, अब ये फिगर में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा एक कंप्लीट फिगर बन के कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट तैयार हो रहा है, मैं आपसे पूछूं कि ये फिगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और बोलू कि सर ये कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने पास बन रहा है, या ये कौन सा लॉजिक सर्किट है जो जो अपने पास ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आंसर बताओ, ये कौन सा ऑप्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है बताओ, कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट बनेगा ये टोटल पूरा फिगर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट फिगर आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करके देने वाला है। ठीक है, ऑफ कोर्स 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, ध्यान रखना आप लोग सब चीजों का, कि आपको एक फिगर गिवन होगा, एक लॉजिक सर्किट गिवन होगा, या आपको बोलेगा कि कंसिडर द कॉम्बिनेशनल सर्किट या कंसिडर द लॉजिक सर्किट एंड विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म बाय दिस लॉजिक सर्किट, ऐसा लिखा होगा, तो आप बोलोगे सर वहां पे ऑप्शन में होना चाहिए क्या 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 32 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, बताओ जल्दी बताओ। कितने यहां पे 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर होंगे, देखो आंसर आ गया 31, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, 32 को 2 से डिवाइड किया, मिल गया 16 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो मिल गया आपको 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना बोलेंगे सर आप इसको, 16 प्लस 8 24, 24 और 7 कितना होता है सर, 31 आंसर। चलो ये अपने पास हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ पे आते हैं। मैंने यहां पे लिखा इंप्लीमेंट 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4 क्रॉस 1 मक्स, बताओ फाइव, ठीक है, तो क्या बोल रहे आप लोग आंसर यहां पे फाइव। चलो अब देखते हैं सॉल्व करके क्या वाकई फाइव आ रहा है क्या, जो चाहिए आपको 16 है ना, और जो आपको यूज करना है वो है फोर, डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, ये हो गया फोर डिवाइड बाई फोर और सर वन आ गया है ना, वन पे आके आपको स्टॉप होना है, तो यहां पे हो गया सर फोर प्लस वन हाउ मच फाइव, ठीक। चलो एक और बताओ, एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं इंप्लीमेंट 32 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 8 क्रॉस 1 मक्स, ठीक है। चलो फोर आ गया, तो ये मेरे पास पूरा एक कंप्लीट डिस्कशन था मल्टीप्लेक्सर का, पूरे दो क्लास अपने को लगे हैं इसको देखने में, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे कंपैरेटर सर्किट, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो कंपैरेटर, कंपैरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे कंपैरेटर, ठीक डालिए कंपैरेटर जो है अपने पास, आपको नाम से पता चल रहा है कि यहां पे कुछ कंपैरिजन होने वाला है, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपैरिजन होगा वो या तो जीरो और वन के फॉर्म में होगा, है ना। अगर मैं सिंगल बिट की बात करता हूं तो वहां पे कंपैरिजन जो होगा हम लोग देखेंगे बिट्स के फॉर्म में, ठीक। अगर मैं बोलूं आपको कि सर 24 और 26 में कंपैरिजन करेंगे तो 26 इज ग्रेटर, ऐसा हम लिखते हैं ना, तो ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो गई। अभी हम लोग को क्या करना है, सर कितना सिलेबस बचा है अभी डीसीएस में, क्यों क्या हो गया भाई वैभव आपको, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप बताओ तो। एनी प्रॉब्लम, ऐसे ही अभी तो हम लोग फोर्थ चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, फोर्थ नंबर का चैप्टर का आधा हो गया समझ लो, अभी तो सिक्वेंशियल बाकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा है ना, बाकी भी चैप्टर ऐसे लड्डू है, ठीक। देखो कंपैरेटर, तो अभी हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिया तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हुई, अभी हम लोग को यहाँ पे डिजिटल की भाषा में मतलब जीरो वन के फॉर्म में मतलब बिट्स के फॉर्म में कंपैरिजन करना है जो भी इनपुट आप अप्लाई करोगे, ठीक है।
तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखने वाला हूं वन बिट कंपैरेटर। तो इसमें आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, कंपैरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। लिखो इसमें कंपैरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, कंपैरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच कंपेयर्स द अप्लाइड इनपुट इन बिट्स फॉर्म, विच कंपेयर्स अप्लाइड इनपुट इन बिट्स फॉर्म। ठीक है, लिखा आपने, देखो तो मैंने लिखा वन बिट कंपैरेटर, मतलब यहां पे जो कंपैरिजन होगा वो सिंगल बिट के बीच होने वाला है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको दो चीज चाहिए होंगे ना, अगर आपको कंपेयर करना है किसी भी चीज का तो आपको दो मिनिमम वो चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ए नॉट और ये बी नॉट। ठीक, ए नॉट और बी नॉट का मैं यहाँ पे कंपेरिजन करूंगा तो आपको दिख रहा है सर ये दो इनपुट्स हो गए, है ना, एक सिंगल बिट और दूसरा सिंगल बिट, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 00 01 10 और ये 11। समझ में आई यहां पे बात। अब यहां पे जो आउटपुट निकलेगा, जो भी आउटपुट यहां पे निकलेगा, तो सर अगर आप किसी भी दो चीजों को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे या तो वो दोनों चीजें इक्वल होती है या तो दोनों चीजें में से कोई एक जो होगा वो ग्रेटर होगा और दूसरा लेस होगा। ये तीन टाइप की चीजों की बात होगी। सेम यहाँ पे वही होने वाला है, सेम कैसे, देखो 00 तो क्या हुआ सर, ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, सबको दिखाइए। यहाँ पे सर ए नॉट 0 है, बी नॉट 1 है, मतलब सर ए नॉट इज लेस देन बी नॉट। यहाँ पे 1 और 0 मतलब ए नॉट इज ग्रेटर देन बी नॉट, ये, और यहाँ पे 1 और 1 है मतलब सर ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट। तो ये अपने को इस टाइप के एक्सप्रेशंस मिलेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होगे तो आपको आउटपुट ए नॉट, मतलब आपको आउटपुट आउटपुट में ये जो एक्सप्रेशन है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट, ठीक है, ये आपको कब मिल रहा है, जब जब अपने पास ए नॉट बार बी नॉट बार लगाओ प्लस, यहां पे भी तो मिल रहा है आपको ये दो जगह पे, तो ये हो गया अपने पास ए नॉट बी नॉट। ठीक सर, ये कौन सा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको सर, ए नॉट एक्स नॉर विद बी नॉट, ये वो एक्सप्रेशन है जहां पे आपको दोनों बिट्स इक्वल दिख रहे हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट। वैसा ही ए नॉट इज ग्रेटर देन बी नॉट, ये कब होगा, ये देखो यहां पे दिस वन, मतलब आप क्या लिखोगे ए नॉट बी नॉट बार, और ए नॉट लेस देन बी नॉट आपको कब दिख रहा है, जब ए नॉट बार बी नॉट लगाओ। ये टू टेबल से मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। अब इसे अगर मैं लॉजिक डायग्राम फॉर्म करता हूं, लॉजिक डायग्राम, तो अपने वो ये कैसे दिखेगा सर, ए नॉट और बी नॉट, ठीक है, लॉजिक डायग्राम यहां पे फॉर्म कर रहे हैं, सभी देखना आप लोग। So, ये हो गया ए नॉट एक्स नॉर विद बी नॉट, और ये कब होगा, जब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट है, ठीक, ओके। और तो हम लोग जानते ही हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है ये एक्चुअली में आपको दो भी दो इनपुट के बीच में एक्स नॉर को शो कर रहा है, और एक्स नॉर क्या होता है, इक्वालिटी डिटेक्टर, मतलब जब दोनों बिट्स इक्वल होते हैं तो वो इक्वालिटी डिटेक्टर मतलब आपको आउटपुट 1 प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हो वही आया है ना ये। उसके बाद अगर ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है, ये देख लो, तो मैं कैसे फॉर्म कर रहा हूं देखना, ध्यान से देखना आप लोग। तो ये हो गया ए नॉट बी नॉट बार,
ये एक्सप्रेशन कब का बनेगा? ये एक्सप्रेशन है व्हेन ए नॉट इज ग्रेटर देन बी नॉट। और ये ए नॉट बार बी नॉट मतलब एक्सप्रेशन कब बनेगा? व्हेन ए नॉट इज लेस देन बी नॉट। ठीक, फटाफट नोट कर लो आप लोग। ठीक, तो सर आपको यहाँ पे क्या याद रहना चाहिए? तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, आप तो ऐसे ही बस ट्रूथ टेबल फॉर्म करोगे और ये एक्सप्रेशन आप फटाफट एक ट्रूथ टेबल को देख के लिख लोगे, है ना। इसमें कुछ भी खास नहीं है, आप ऐसे ही आराम से, आपको अगर ये नहीं भी पता है तो भी आप इसको खुद से डिजाइन कर सकते हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब बारी आती है आपके सर टू बिट कंपैरेटर की। दो बिट अपने को कंपैरेटर यहाँ पे पढ़ना है, बस ये टॉपिक को पढ़ना है। नोट कर ली पूरा फिगर के साथ बताओ। सो वन बिट कंप्यूटर की बात हो गई है जिसमें हम लोग वन बिट्स पे ही कंपैरिजन कर रहे थे यहाँ पे। अब बात होती है सर टू बिट कंपैरेटर की जिसमें हम लोग टू बिट्स में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे देखना आप लोग। तो ये लिया मैंने ए वन और ये ए नॉट और वैसे ही बी वन बी नॉट। ये दो बिट का कंपैरिजन होने वाला है ये दो बिट के साथ में, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टू बिट कंपैरेटर। ठीक, अब अगेन यहाँ पे तीन टाइप के आउटपुट होंगे, कौन कौन से सर? या तो ए जो होगा वो बी से ग्रेटर होगा, या तो बी ए से ग्रेटर होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे। तीन टाइप के आउटपुट की बात होगी हमेशा, और उसी के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप के फॉर्म में आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले ए नॉट, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सर ए जो है वो बी के इक्वल है, ये एक आउटपुट हो सकता है। दूसरा सर ए जो है वो बी से ग्रेटर हो सकता है, और तीसरा ए जो है वो बी से लेस हो सकता है। ये इसी टाइप के आउटपुट की बात होगी। ठीक, ये हो गया ए बिट और ये बी बिट। अब मुझे आप लोग बताओ सर इसमें कितने कॉम्बिनेशंस तैयार होंगे? अभी आपने देखा सर वन बिट पे कितने कॉम्बिनेशन थे, चार कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो बिट्स की हमें बात हो रही थी कंपैरिजन में, और यहाँ पे दो दो बिट्स की बात हो रही है कंपैरिजन, मतलब 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया 0 0 0। चलो पूरा फॉर्म कर लो यहाँ पे फटाफट।
ठीक, चलो अब ये नोट किया जाए कौन कौन से आउटपुट आपके पास बनेंगे। सबसे पहले इसको देखो सर, ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? जीरो। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट सर जीरो, मतलब दोनों इक्वल है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं सर वन और ये जीरो जीरो। समझ में आई बात? अब इसको देखो सर, ये जीरो हो गया डेसिमल और ये वन हो गया, मतलब सर बी ग्रेटर है। मतलब क्या लिखो सर? जीरो जीरो वन। ठीक सर, ये दोनों को देखो, ये जीरो और ये टू, मतलब जीरो जीरो वन। सर ये जीरो और ये थ्री, मतलब जीरो जीरो वन। यहाँ पे वन और ये जीरो, मतलब सर ए ग्रेटर है और बाकी दो जीरो होंगे। फिर सर जीरो जीरो वन जीरो वन क्या हो गया? डेसिमल इक्विवेलेंट में कंपैरिजन हो रहा है ना, ध्यान रखना। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? ये वन। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वन, मतलब दोनों इक्वल है यहाँ पे, वन और ये जीरो जीरो। सर वन और ये टू, मतलब वन बाकी जगह पे जीरो। ये वन और ये थ्री, मतलब बी ग्रेटर है और ये जीरो और ये जीरो। ये वन जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो जीरो, मतलब वन जीरो नहीं, ए ग्रेटर है अपने पास, ए ग्रेटर है, इसका मतलब जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो वन अभी भी ए ग्रेटर है, जीरो जीरो, वन जीरो वन जीरो, तो ये इक्वल हो गया। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट वन जीरो वन वन, सर बी ग्रेटर है और बाकी जीरो जीरो। फिर सर ए ग्रेटर हो गया, मतलब वन और ये जीरो और ये वन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा? वन वन जीरो वन, सर अभी भी वन, मतलब ए ग्रेटर है और ये जीरो और ये जीरो। फिर ये वन ग्रेटर, मतलब ए ग्रेटर और ये सर जीरो और ये भी जीरो। लास्ट में वन 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 वन, मतलब दोनों इक्वल हो गए। ये देख लो पूरे यहां पे 16 आउटपुट तैयार हो गए। ठीक, तो अभी हम लोग को यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं। कैसे एक्सप्रेशन? सबसे पहला मैंने फाइंड किया ए नॉट, ए इज इक्वल टू बी के लिए, इसके लिए एक्सप्रेशन अपने को फाइंड करना है। तो 16 कॉम्बिनेशंस हैं, तो मैं यहाँ पे के मैप यूज करने जा रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखना आप लोग, के मैप यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं। तो ये हो गया ए नॉट ए नॉट ए वन ए नॉट बी वन बी नॉट, ए वन ए नॉट बार बार, ए वन बार ए नॉट, ए वन ए नॉट और ए वन ए नॉट बार, बी वन बार बी नॉट बार, बी वन बार बी नॉट, बी वन बी नॉट और बी वन बी नॉट बार। जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन और ये 14। ठीक, ऐसे लिखेंगे आप लोग। तो a इज इक्वल टू b के लिए, तो वो टेबल कौन सा है सर? ये कॉलम है। टेबल में देखो आप, कॉलम कौन सा है जहां पे a और b बराबर है? सर ये है। कब कब बराबर हो रहे हैं सर? ये वन। ठीक, ये देखो इसको सर, ये वन है, ये वन, ये वन और ये वन। कब कब आपको ये वन दिख रहे हैं सर? जीरो पे दिख रहा है। फिर ये देखो, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट मैं लिख देता हूं ताकि आपको और भी आसानी समझ में आए। डेसिमल इक्विवेलेंट ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये लास्ट 15। डेसिमल इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया है सर, जीरो पे हो रहा है, फाइव पे हो रहा है, टेन पे हो रहा है और 15 पे। कहां कहां पे सर? 0, 5, 15, 10। ठीक, ये चार जगह पे अपने पास होने वाला है। ठीक, अभी अगर आप इसका लिखने वाले हो तो आप क्या लिखोगे सर? पहली बात तो ये कि एडजेसेंट सेल्स, अब ग्रुपिंग करेंगे हम लोग, तो एडजेसेंट सेल्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ग्रुपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करना पड़ेगा सर? ये वन को आपको अकेला लेना पड़ेगा, ये वन आपने अकेला लिया और ये वन और इस वन को भी, ग्रुपिंग तो पॉसिबल ही नहीं हो रही है। इसका मतलब सर a इज इक्वल टू b का जो एक्सप्रेशन आने वाला है,
इज इक्वल टू बी का ये एक्सप्रेशन क्या होगा? सबसे पहले इसको देख रहा हूं मैं सर, ए वन बार ए नॉट बार बी वन बार बी नॉट बार प्लस इसके लिए सर ए वन बार ए नॉट बी वन बार बी नॉट प्लस यहां पे इसके लिए सर ए वन ए नॉट बी वन बी नॉट लास्ट यहां पे सर ए वन ए नॉट बार बी वन बी नॉट बार इस तरीके से होने वाला है ठीक। ये ठीक अभी हम लोग नेक्स्ट यहां पे ए ग्रेटर देन बी के लिए देख लेते हैं टेबल। तो ए ग्रेटर देन बी का इसका हम लोग मिनिमाइजेशन करेंगे यूजिंग के मैप सेम यहां पे जैसे मैंने यूज किया हुआ है। तो ये के मैप तैयार होने वाला है। सो ये लिखा मैंने ए नॉट ए वन ए नॉट बी वन बी नॉट ठीक। तो ये हो गया ए वन बार ए नॉट बार ए वन बार ए नॉट ए वन ए नॉट और ए वन ए नॉट बार फिर यहां पे बी वन बार बी नॉट बार फिर बी वन बार बी नॉट और बी वन बी नॉट बार जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन और फिफ्टीन और ये फोर्टीन ठीक। ओके चलो तैयार करते हैं। तो ए ग्रेटर देन बी कब कब होने वाला है सर? देखो ये लिखा हुआ है सबसे पहले ये होने वाला है फोर पे। तो आपने लिखा ये फोर ये वन बनाया ठीक सर। फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट एट और नाइन पे होने वाला है। एट और नाइन पे लगाओ वन एट और नाइन फिर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन पे हो रहा है सर। ट्वेल्व थर्टीन और ये फोर्टीन पे क्या पूरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक इस तरीके से अपन ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ग्रुपिंग यहाँ पे बनेगा क्वाड, ये अपने पास बन गया क्वाड ठीक। उसके बाद ये बन गया पेयर और ये भी बन गया अपने पास पेयर। तो दो पेयर बन रहे हैं और एक क्वाड बन रहा है। तो इस हिसाब से अपने पास ए ग्रेटर देन बी इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा सर? पहले क्वाड देखो आप ए वन और बी वन बार फिर आप देखो यहां पे पेयर। तो पेयर दिख रहा है ए नॉट बी वन बार और बी नॉट बार प्लस यहां पे सर ए वन ए नॉट बी नॉट बार। ये आप बोले सर ये एक्सप्रेशन अपने को याद करने की जरूरत है क्या? बोलूंगा नहीं बिल्कुल भी नहीं है ना। ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये टेबल बनाने आना चाहिए। तो ये टेबल को बना के ही तो आप यहाँ पे के मैप को यूज कर रहे हो ना। के मैप यूज कर रहे हो तो आप जानते ही ऑलरेडी ठीक। कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब एक और बचा हुआ है उसको भी बना लेते हैं। ए वन ए नॉट बी वन बी नॉट बी वन बार बी नॉट बार बी वन बार बी वन बी नॉट और बी वन बी नॉट बार यहां पे ए नॉट ए वन बार ए नॉट बार ए वन बार ए नॉट और ए वन ए नॉट और ये ए वन ए नॉट बार ठीक है। जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन और ये फोर्टीन ठीक इस तरीके से। तो एक्सप्रेशन आपको किसका चाहिए सर? ए लेस देन बी का एक्सप्रेशन आपको चाहिए है ना। चलो फॉर्म कर लेते हैं। टेबल को देखो आप कहां कहां पे हो रहा है सर? देखो यहां पे ये जीरो है वन टू थ्री वन टू थ्री ठीक फोर फाइव सिक्स सेवन सर सिक्स सेवन पे लगा दो फिर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सर इलेवन ट्वेल्व पे हो रहा है ये इलेवन और ये ट्वेल्व ठीक। कोई भी डाउट यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये हो गया जीरो जीरो वन टू थ्री ये लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद फोर फाइव पे नहीं है सिक्स सेवन पे है सिक्स सेवन पे लगा दिया
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, अच्छा इलेवन ट्वेल्व के सेवन तक ये हो गया, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक। ये क्वाड बन रहा है, क्वाड बनने में ये हो गया ए वन बार और यहां पे आ गया बी वन, प्लस यहां पे बन रहा है अपने पास क्या सर, ये वन और वन, कहीं भी हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या? चेक करो तो ये ट्वेल्व पे क्यों आ रहा है, ट्वेल्व पे नहीं आना चाहिए ना ये। ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ठीक है ट्वेल्व को देखोगे। अच्छा ये दोनों में वन लिखा हुआ है, ये दोनों में वन क्यों है यार, ये दोनों में वन कैसे हो गया, ये ट्वेल्व में यहाँ पे आ रहा हूं वन वन जीरो जीरो, ये ग्रेटर हुआ तो। अच्छा ये जीरो है एक्चुअली में, ये जीरो है, ठीक है देखो टेबल आप लोग, ये जीरो हो गया तो ट्वेल्व पे तो आएगा ही नहीं ना, ये तो मुझे अंदाजा है पूरा। तो यहां पे देखो ये पेयर बन रहा है दिस वन और ये दिस वन, तो दो पेयर बन रहे हैं और एक क्वाड बन रहा है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए वन बार और ए नॉट बार बी नॉट, प्लस एक और पेयर बन रहा है अपने पास सर ए नॉट बार और बी वन बी नॉट, ठीक। सो ये मेरे पास पूरा कंप्लीट डिस्कशन था टू बिट कंपैरेटर का, आपको ये ड्रॉ करने बस आना चाहिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये एक्सप्रेशन आप सोचोगे सर याद कर ले क्या, तो ये याद करना पॉसिबल ही नहीं, एक्सप्रेशन को उल्टे सीधे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि गेट में आया था, और वो कैसा क्वेश्चन आता है आप देखना अभी, ठीक। पहले आप लोग बताओ कि ये नोट कर लिए क्या, ये नोट कर ली दोनों को पूरा, कि मैं आप नोट कर ली पूरा बताओ यस और नो, ठीक। चलो नोट करो आप लोग के मैप टेबल के साथ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सर, अगर इसमें फर्स्ट के मैप का एपीआई निकालें तो चार आएगा, क्योंकि चारों के चारों आप देखोगे कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है ना, चारों अपने पास एक अलग वे पे हैं, एक ही साथ आपको यहाँ पे आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते ना, आप पार्ट बना सकते हो ना, आप पेयर बना सकते हो, कुछ भी नहीं, तो आपको चारों को अलग लेना पड़ेगा और चारों को लेना इंपॉर्टेंट भी है ना, तभी तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक
इसका मतलब इसका ईपीआई चार, पीआई चार, इम्प्लीकेंट भी चार, सबके सब चार, और कोई भी इररेलीवेंट नहीं होगा, मतलब रिडंडेंट नहीं होगा, मतलब जीरो। ठीक, क्लियर है भाई आपको? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मत लिखो आप लोग, ये छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। The circuit shown in the figure चलो क्वेश्चन नोट करो आप लोग, केम ऐप नोट कर लिए होंगे अभी तक, क्वेश्चन नोट करेंगे। कमेंट करो, नोट कर लिए क्वेश्चन? कमेंट करेंगे सभी, क्वेश्चन नोट कर लिए हैं?
ठीक, तो क्वेश्चन में लिखा है कि द गिवन सर्किट इन द फिगर इज सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। तो यार अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं सर? टॉपिक हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंफर्म है कि इसका आंसर बी ही होगा, है ना? आपने सब्ट्रैक्टर सर्किट के बारे में तो बताया ही नहीं है, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर जो लिखा है इस सर्किट तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, इसका मतलब है कि कंफर्म आंसर जो है वो बी होगा। सर यही इसका मेथड है क्या सॉल्व करने का? नहीं यार, सॉल्व करते ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये वाई है, ये एक्स, मतलब ये एक्स बार, मतलब एक्स बार प्लस वाई होल बार, तो ये हो गया एक्स बार बार डॉट वाई बार, मतलब एक्स वाई बार, ये मिला आपको। ठीक, यहाँ पे सर ये वाई और ये एक्स, ये अपने पास वाई बार एक्स बार, एक्स बार प्लस वाई बार होल बार, मतलब एक्स बार बार, और ये वाई बार बार, मतलब एक्स और वाई, यहाँ पे कौन आ रहा है? एक्स वाई। ठीक, यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल बार, ऐसा ही होगा, यहाँ पे एक्स बार डॉट वाई बार यार अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ये आपका आउटपुट। ठीक, ऐसे ही होने वाला है कुछ। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाई है, ये एक्स है, तो यहाँ पे वाई बार और ये एक्स, मतलब एक्स प्लस वाई बार होल बार, मतलब एक्स बार प्लस वाई बार बार, और बीच में क्या आएगा अपने पास सर? इनटू, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई। अब आप खुद बताओ, आप तीनों आउटपुट्स को ध्यान से देखो, आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? ये कौन सा एक्सप्रेशन है ये पूरा बताओ, कौन सा एक्सप्रेशन है ये, किस चीज को शो कर रहा है आप खुद ही बताओ। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं इसको, जल्दी बताओ फास्ट, कौन सा एक्सप्रेशन है ये? तो ये एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कहां पे सर? वन बिट कंपैरेटर, किसमें देख चुके हैं? वन बिट कंपैरेटर, याद आया? ये तीनों एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन किसके लिए था सर? जहां पे एक्स ग्रेटर वाई है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पे एक्स लेस देन वाई। ठीक, वन बिट कंपैरेटर सर्किट, ऑप्शन बी तो होना ही था यहाँ पे। ठीक, ओके। अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझ में आ गया होगा। अभी आपसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि सर मैंने आपको 2 बिट कंपैरेटर बोला हुआ है, ठीक, तो 2 बिट कंपैरेटर में तीन बातें निकल के आती हैं, क्या क्या? देखो ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन और किस टाइप का हो सकता है। 2 बिट कंपैरेटर में तीन बातें निकल के आती हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि 2 बिट कंप्यूटर में कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं सर? 16 कॉम्बिनेशंस। मैंने आपको पूछा कि सर ऐसे 16 कॉम्बिनेशंस में, पूरे 16 कॉम्बिनेशंस में ए ग्रेटर देन बी आपको कितने कॉम्बिनेशंस में मिलता है? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? 16 कॉम्बिनेशन में आपको ए ग्रेटर देन बी कितने कॉम्बिनेशंस में मिलता है बताओ? आउट ऑफ 16 ए ग्रेटर देन बी आपको कितने टाइम्स, आपको ए ग्रेटर देन बी मिलता है कितने टाइम्स बताओ? टेबल चेक करो आप लोग, टेबल चेक करो, कितने टाइम्स मिल रहा है सर? टोटल 6 टाइम्स वहां पे आपको ये वन दिखेगा। समझ में आ गई बात? वैसे अगर आपसे पूछूं कि सर ए लेस देन बी आपको कितने टाइम्स मिलता है, सर बोलेंगे आप टेबल से, ट्रूथ टेबल को देखो, आप काउंट करो वहां पे वन कितने टाइम्स दिख रहा है ए लेस देन बी में, बोलेंगे सर 6 टाइम्स। ठीक है, और आपसे पूछूं अगर मैं कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी आपको कितने टाइम्स मिल रहा है बताओ, आंसर बताओ क्या होगा? 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ में आ गई बात? तो टोटल कितने हो गए सर? 6 प्लस 6 प्लस 4, सर टोटल हो गए 16 कॉम्बिनेशंस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ए ग्रेटर देन बी है, ए इक्वल टू बी, सभी हर एक जगह पे वन हो गया, ऐसा तो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। सो टोटल हो गए 6 प्लस 6 प्लस 4, 16 कॉम्बिनेशंस।
समझ में आ गई बात। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था अपने गेट एग्जाम में, जहां पे लिखा हुआ था, जो मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख रहा था ना, मैंने उसको हटा दिया, तो वही था क्वेश्चन वो कि कहां पे ए ग्रेटर देन बी जो है वो कितने टाइम्स होगा, तो आंसर था बस 6। समझ में आ गई बात। तो इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया नहीं, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, कल जो क्लास होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते रहता है, वो है हाफ एडर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, ये फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ये हम लोग सब कुछ कल पूरे 2 घंटे पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद जब ये एंड होगा तो डिकोडर वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो अभी के लिए अपने पास यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, बाय बाय क्लास, थैंक यू, और कल की जो टाइमिंग रहेगी वो सेम टाइम, ठीक। Yeah.